ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आज मैं आपको हनुमान जी का एक ऐसा जंजीरा मंत्र बता रहा हूँ जो कि अपने आप में बड़ा ही पावरफुल मंत्र है। हनुमान जी का ये बड़ा ही चमत्कारी मंत्र है। आज मंगलवार है, अभी हनुमान जी को संकल्प चढ़ाया है, चोला चढ़ाया है, तो आज मैं आपको एक चमत्कारी मंत्र बता रहा हूँ। इस मंत्र का प्रयोग आप अपने लिए भी वरन दूसरों के लिए भी कर सकते हैं। ये मंत्र का प्रयोग करने से जो फायदे होते हैं वो ये होते हैं कि आपको शारीरिक बीमारी आपके पास नहीं आएगी, आपके ऊपर भूत प्रेत जिन जिन्नात टोना टोटका इत्यादि कोई भी आपके ऊपर असर नहीं करेगा। वरन आप दूसरे के ऊपर से भी इन चीजों को उतार सकते हो। उतारने के लिए करना क्या होता है कि आपको अपने सामने जिसको उतारना है उसको अपने सामने बैठाएं और उसको सामने बैठाकर मोर पंख से आप उसको इस प्रकार मोर पंख ले लें। मोर पंख से उसको ऐसे मोर पंख ले लें, ये जो मोर पंख होता है इस मोर पंख से आप उसको ऐसे झाड़ दें, मंत्र पढ़ते रहें उसको झाड़ते रहें, तो इस प्रकार उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा, यदि वह व्यक्ति पास नहीं आ सकता, दूर पर दूर व्यक्ति है, तो दूर के लिए आपको करना क्या है कि आप थोड़ा जल ले लें, उस जल को इस मंत्र से, इस जंजीरा मंत्र से हनुमान जी के उसे सिद्ध कर ले उस जल को, और उस पीड़ित व्यक्ति को दे दें, तो वह सुबह शाम थोड़ा थोड़ा उसमें से पीता रहे, उसको तुरंत उसके ऊपर से जो भी भूत प्रेत जिन जिन्नात इत्यादि होगा वह चला जाएगा। तीसरा ऑप्शन होता है कि ये जो धूमबत्ती हमने जलाई हुई है, धूमबत्ती इसकी जो राख होती है ये इसको आप अभिमंत्रित करके भभूत बना लें, भभूत बनाकर पढ़कर पीड़ित व्यक्ति को दे दें, उसको थोड़ी सी खाए, थोड़े से अपने माथे पर लगाए, उसके ऊपर जो भी चीज़ होगी वह तुरंत एकदम हट जाएगी, ऊपर उसके ऊपर से भूत प्रेत जिन जिन्नात जो कुछ भी होगा तुरंत उसके ऊपर से हट जाएगा, उसकी आत्मरक्षा होगी। तो ये इन चीजों में इस जंजीरा मंत्र का प्रयोग किया जाता है। हनुमान जी का बड़ा ही पावरफुल और सिद्ध साबर मंत्र है, ये सिद्ध साबर मंत्र है, साबर मंत्र। और इसे सिद्ध करने की विधान क्या होता है, सर्वप्रथम तो आप ये समझ लीजिए, सिद्ध करने के लिए इसमें देखो ब्रह्मचार्य का पालन अवश्य करना पड़ेगा। किसी भी शुभ मंगलवार से, कोई मंगलवार पीड़ित ना होना चाहिए, कोई अशुभ नहीं होना चाहिए, शुभ सोमवार, शुभ मंगलवार, कोई सा भी मंगलवार हो, किसी भी महीने का कोई सा भी मंगलवार हो, शुभ होना चाहिए, उसमें आप इसको प्रारंभ करना है। इसके लिए आपको श्री हनुमान जी के मंदिर में आपको हनुमान जी का सिंदूर और चमेली का तेल थोड़ा थोड़ा से ले लीजिए, दो तीन पैकेट ले लीजिए, 5 रुपए वाले पैकेट या 10 वाले पैकेट या बड़ा पैकेट जितने की आपकी सामर्थ्य है, एक पैकेट ले लीजिए, थोड़ा सा चमेली का तेल ले लीजिए, हनुमान जी को समर्पित कीजिए। देसी घी का दीपक आप श्री हनुमान जी के चरणों में आपको जलाना है, और उसके अलावा आपको 5 बूंदी के लड्डू श्री हनुमान जी को आपको भोग लगाना है। उसके बाद प्रतिदिन आप इस मंत्र का अपने पूजा में आप कंटिन्यू इसका जाप करते रहे, तो ये तो नॉर्मल अपनी समस्या का समाधान करने के लिए होगा, परंतु तो यदि आप दूसरे की समस्याओं का समाधान करने के लिए आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो फिर आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा। इसको सिद्ध करने के लिए आपको प्रतिदिन 108 बार इसको जाप इसका कंटिन्यू करना है, 41 दिन तक करना होगा, ब्रह्मचर्य का पालन रखना होगा, और मांस मदिरा इत्यादि का भक्षण आप बिल्कुल वर्जित रहेगा, बिल्कुल सात्विक जीवन आप व्यतीत करेंगे। हनुमान जी के बहुत सारे नियम होते हैं, ये सभी नियम मैंने पहले वीडियो में बताए हुए हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं, इसमें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इस प्रकार सात्विक जीवन व्यतीत करते हुए प्रति सोमवार यह क्रिया करते हुए जो मैंने आपको बताई, हनुमान जी के चरणों में दीपक जलाना, 5 लड्डू के भोग लगाना और चोला चढ़ाना, और उसके अलावा इस मंत्र का कंटिन्यू आपको 108 बार जाप करना 41 दिन तक, तो यह मंत्र आपका सिद्ध हो जाता है। उसके बाद आप इसका प्रयोग आप दूसरों के लिए भी, खुद के लिए भी कर सकते हैं, और यदि केवल आपको समस्या आ रही है, आप किसी के लिए नहीं अपने लिए करना चाहते हैं रक्षाकर्त के लिए, तो आप केवल 11 बार प्रतिदिन इस हनुमान जंजीरा मंत्र को पढ़ते रहें, बस यही काफी रहेगा। हनुमान जी को मंगलमय प्रसाद चढ़ाएं और इसको पढ़ते रहें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब आप ध्यान से पहले मंत्र सुन लीजिए, मंत्र हो सकता है आपने पहले भी सुना होगा, लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ मेरे खुद का प्रैक्टिकल प्रयोग है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गंगर लंका का चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में किलो नोखंड का भूत, जाग जाग हनुमान घंग काला, ताती लोहा कलंग काला, शीश जटा डग डेरू उमर काजे, वज्र की कोठड़ी वज्र वज्र का ताला, आगे हनुमत अर्जुन पीछे भीम, चोर नर चापे तहसीन, अंजरा झरे भरिया भरे, ई घट पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुंवर हनुमान करे। तो मंत्र साबर मंत्र है तो इसलिए थोड़ा अटपटा होता है, लेकिन ये जिस तरह है इसी तरह ये बोला जाता है, तो इसको पहले सिद्ध कर लें उसके बाद इसका प्रयोग करें, बड़ा ही चमत्कारी प्रयोग है, इसको आप करें आपका 100% समस्या का समाधान होगा। सभी भक्तों को जय श्री राम।